नमस्कार दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे विद्वानों के अनुसार आलोचना की परिभाषाएं दोस्तों समय समय के साथ कई सारे विद्वानों ने आलोचना की परिभाषाएं अपने अनुरूप दी है इन परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षाओं में हिंदी एमए की परीक्षाओं में तथा बी की परीक्षाओं में पूछा जाता है इसलिए आपको ये वीडियो ध्यान पूर्वक देखना चाहिए आलोचना का अर्थ होता है समीक्षा या फिर समालोचना ठीक है ना तो हम सबसे पहले देखते हैं आचार्य श्याम सुंदर दास के द्वारा दी गई आलोचना की परिभाषा यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा ठीक है ना हटसन के अनुसार है समीक्षा के द्वारा पाठक रचयिता की विशाल चित्त भूमिका भागीदार बन जाता है दोस्तों यानी कि जब कोई लेखक किसी लेखक की कृति की विवेचना करता है उसके गुण और दोष निकालता है वही क्या बन जाती है आलोचना बन जाती है तो ये बोल रहे हैं समीक्षा के द्वारा पाठक रचयिता की विशाल चित्त भूमिका भागीदार बन जाता है यानी कि उसे पता चलता है अच्छा उस समय इनकी चित्त भूमि इस प्रकार की थी या फिर इस समय ये इस प्रकार के विचार रखते हैं कार्ड लायर के अनुसार है किसी साहित्यिक कृति का व्यक्ति के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे व्यक्त करना ही आलोचना है यानी दोस्तों जैसे मैं हूँ मैंने मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत पढ़ा पद्मावत पढ़ने के बाद मेरे मन पर जो उसका प्रभाव पड़ेगा फिर मैं उसे अपने शब्दों में व्यक्त करूंगा वही आलोचना कहलाती है ठीक है ना कई लोगों ने सूरदास के भ्रमर गीत पर पद्मावत पर हिंदी साहित्य के इतिहास पर कुट पर कई अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं किसी ने उनमें गुण निकाले हैं किसी ने उसमें दोष निकाले हैं तो वही क्या कहलाती है आलोचना कहलाती है इसी प्रकार साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा फिर है दोस्तों आचार्य राजशेखर यह भी आलोचना में मुख्य स्थान रखते हैं दोस्तों इनके द्वारा परिभाषा है वह कवि के श्रम और उसके उद्देश्य तथा तात्पर्य को प्रकाश में लाती है यानी कि जो आलोचना होती है दोस्तों वह कवि के श्रम को और उसके उद्देश्य तथा तात्पर्य को प्रकाश में लाती है ठीक है ना उसके ही कारण कवि के व्यापार का वृक्ष फलता है अन्यथा वह निष्फल रहता है हर कृति की हर रचना की आलोचना होना अति आवश्यक है दोस्तों क्योंकि उससे ही पता चलता है कि कवि ने कितना श्रम किया कवि ने कौन कौन से बिंदु उठाए कौन कौन से बिंदु छोड़ दिए तभी तो हमें पता पड़ता है जैसे दोस्तों आप कोई सी एक पिक्चर देखने के लिए गए एक फिल्म देखने के लिए गए तो दस लोगों से जब बाहर आकर पूछा जाएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी बकवास लगी यार बिल्कुल बकवास कोई बोलेगा हाँ ठीक ठाक थी यार कोई बोलेगा कि नहीं स्टोरी तो बिल्कुल बकवास थी परंतु गानों ने हमें तीन घंटे बैठने को मजबूर कर दिया ठीक है ना कोई बोलेगा इंटरवल से पहले अच्छी थी इंटरवल के बाद बहुत घटिया थी सबकी अलग अलग राय रहेंगी तो जब ये राय कवियों के पास लेखकों के पास जाती है तो उन्हें झंझोर देती है और वो अच्छी मेहनत करने लग जाते हैं दोस्तों समझ में आया आपको इसी प्रकार है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार इन्होंने आलोचना की परिभाषा दी है सत्यम शिवम सुंदरम का समुचित अन्वेषण पृथक करण अभी व्यंजना ही आलोचना है इन्होंने क्या कहा है यानी कि आलोचना के द्वारा ही हमें पता चलता है सत्य क्या है सत्य शिव सुंदरम का समुचित अन्वेषण हमें आलोचना में दिखाई देता है क्योंकि सत्य का दरवाजा खोलती है दोस्तों आलोचना अगला है डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार परिभाषा है इनकी आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है वही जो राजशेखर ने कहा है यही उन्होंने कहा है आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना होता है ठीक है ना अगर हम इन सब परिभाषाओं का निचोड़ निकालते हैं तो क्या परिभाषा बनती है इसकी मुख्यता आलोचना का अर्थ है किसी भी साहित्यिक रचना को अच्छी तरह से देखना या परखना फिर उसके गुण दोषों का निर्णय करना ठीक है ना यही आलोचना कहलाती है आलोचना आपकी भी हो सकती है आलोचना मेरी भी हो सकती है आलोचना प्रधानमंत्री की भी हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री को जरूरी नहीं सब लोग पसंद करें कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं कुछ लोग उन्हें बेकार बताते हैं इसी प्रकार कोई मेरे चैनल को डिसलाइक करेगा कोई लाइक करेगा अब ये तो है ना मैं पागल हो जाऊंगा इसके कारण अरे मुझे डिसलाइक को कर दिया ऐसा वैसा ठीक है ना तो यही आलोचना होती है हिंदी आलोचना सम्राट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना में विशेष महत्व है और योगदान है दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें व सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों